हाय फ्रेंड्स, मुहूर्त की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए कितना टेस्टी दाल लग रहा है ना। अगर आप बैचलर हैं तो इस तरह से झटपट चने की दाल बनाइए, टेस्टी और चटपटी, और खा करके अपने कॉलेज स्कूल जाइए। इसको बनाने के लिए कुकर चढ़ाइए, कुकर में 2 चम्मच ऑयल डालिए, मस्टर्ड डालमंड डाल बनाइए, बहुत ही टेस्टी ये दाल बन करके तैयार होता है। अब इसमें 2-4 लहसुन डालिए और 1 बड़ा कटा हुआ प्याज डालिए, 1-2 हरी मिर्च डालिए। अगर आप तीखा खाते हैं तो 2-3 हरी मिर्च और डाल लीजिए। डालने के बाद इसको हल्का सा भूनिए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। 1 चुटकी हींग डाल दीजिए, हींग अभी हम बाद में डालेंगे, अभी थोड़ा सा हींग डालिए। फिर 1 टमाटर लीजिए, उसको काट करके रखे रहिए, बड़ा बड़ा पीस, वो भी डाल दीजिए। डालने के बाद ये मिक्स मसाला डालिए। इस मसाले में सब चीज़ मिला हुआ है, ज़ीरा, धनिया, काली मिर्च, गरम मसाला, मिर्चा सब मिला हुआ है। आपको बार बार मसाले डालने और पीसने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें 250 ग्राम लौकी डाल दीजिए। अच्छी तरह से बड़ा बड़ा पीस काट करके डालना है, बहुत छोटा पीस नहीं डालना है। और इसको डाल करके 1-2 बार चला लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। देखिए आधा ज़्यादा एक एक सामग्री डालते हुए आपका मसाला भून चुका है करीब। अब 250 ग्राम चना का दाल लीजिए, उसको धुल करके आधे घंटे के लिए रख दीजिए। वही दाल इसमें ऐड कर दीजिए। देखिए इस तरह से दाल डाल करके 1 चम्मच नमक डालिए। नमक आप अगर ज़्यादा खाती हैं तो 1/2 चम्मच और डाल लीजिए। इतना नमक इतने दाल में बहुत ही पर्याप्त होगा। अब इसको 1-2 बार चला लीजिए, आपसे बताया कि बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब किसी भी बर्तन से, गिलास से या 1 पाव के अंदाज का कोई बर्तन हो तो उससे नाप करके 2 कटोरा भर भर के आप पानी डाल दीजिए। यानी अगर 250 ग्राम आपका चना का दाल है तो उसमें 500 ग्राम पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है ना। अब कुकर डाल करके बंद कर दीजिए और पहले हाई फ्लेम पे करिए, फिर लो फ्लेम पे कर दीजिए। 2 सीटी आने के बाद आपका दाल पूरी अच्छी तरह से गल जाएगा। देखिए दाल बन करके तैयार हो गया है। अब इसको एक बाउल या कंटेनर में परोस लीजिए, इसको इस तरह से पलट लीजिए। पलटने के बाद एक कलछुल चढ़ाइए और उसमें मस्टर्ड ऑयल डालिए। ये दाल आपको मस्टर्ड ऑयल में ही बनाना है। देखिए कितनी टेस्टी ये दाल बन करके तैयार होती है। फिर इसमें सरसों डालिए और हींग डालिए। अब यहाँ पे आपको 1 चुटकी नहीं बल्कि 3 चुटकी हींग डालना है और थोड़ा सा करी पत्ता डालिए। और अगर लहसुन पसंद करती हैं तो 1-2 जवा लहसुन का खड़ा डाल दीजिए। और डाल करके जब ये हो जाए तो इसको इससे छौंक लगा दीजिए। देखिए इस तरह से कितना टेस्टी और स्वादिष्ट दाल बन करके तैयार हुआ है। न ज़्यादा तेल है, न ज़्यादा मसाला है, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी दाल बन करके तैयार हुआ है। इसको पढ़ने वाले बच्चे झटपट बना लेंगे और बना करके फिर चावल डालिए, चावल डाल करके खा करके जाइए। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू।